मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्राइडल मेहंदी की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो कि मैंने तीन चीज़ों को लेके बनाया है। सबसे पहले इसमें मैंने मोर का डिज़ाइन लिया है, फिर एलिफेंट का डिज़ाइन लिया है और फिर एक फिगर का डिज़ाइन लिया है, जो कि मेरे को आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ब्राइडल मेहंदी की फ़िगर की प्रैक्टिस करवाओ, तो मैंने आज ये वाली वीडियो, फर्स्ट वीडियो ब्राइडल मेहंदी की प्रैक्टिस की बनाई है। आई होप आपको पसंद आएगी। इसमें मैं जो भी डिज़ाइन लेने वाली हूँ, इसकी प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ। जैसे मैंने मोर की प्रैक्टिस अलग से आपको पहले करवाई है, एलिफेंट की प्रैक्टिस भी मैंने आपको अलग से पहले करवाई है, और डिज़ाइंस, लाइंस, इन सब की प्रैक्टिस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। अब उन सबको जोड़ के अपन एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये डिज़ाइन इतना टफ नहीं लगेगा। डायरेक्ट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये टफ लगेगा। पिकॉक और एलिफेंट की प्रैक्टिस अलग से करने के लिए आखिरी में मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पिकॉक के पंख का डिज़ाइन, फेदर का डिज़ाइन ऊपर की तरफ लिया है। आप इसे किसी भी तरह से ले सकते हैं, जो आपको पिकॉक अच्छा लगता है वो डिज़ाइन आप स्टार्टअप पर डाल सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसमें मैंने पहले अंदर दो लाइन ली है, ऊपर की तरफ एक और लाइन ली है और उसको डार्क किया है, ताकि सारी चीज़ें अलग अलग दिखें और ये चीज़ अच्छी लगे। इसके ऊपर मैंने दो लाइन कंगूरे के लिए हैं। कंगूरे के डिज़ाइन आप बढ़ा भी सकते हैं, पर इनफ़ दो या तीन इनफ़ होती है, तो आप उतना ही रखें, इससे ज़्यादा ना बनाएं। सारी चीज़ें फिगर के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है, आप उसके अंदर क्या फिलिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप उसे एक बार समझें। साइड में मैंने पत्तियों के शेप का एंडिंग दिया है, जैसा नॉर्मली अपन एंड दे सकते हैं। इसमें डॉट भी आप लगा सकते हो, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप एंड दे सकते हो। मैंने ये वाला दिया है क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद है। पिकॉक के फेस का डिज़ाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ। ऊपर मैंने उसके ताज का डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा डिज़ाइन रखा है ताकि आपको ईजीली बन जाए। इसमें आप दूसरी डिज़ाइन भी कर सकते हो जो आपको पसंद हो। पिकॉक की फिलिंग में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर नीचे वाला पार्ट आप डार्क फिल करते हो जैसा मैं कर रही हूँ, तो अंदर वाला आपको लाइट फिल करना है। अंदर अगर आप डार्क करते हो तो नीचे वाला आपको लाइट रखना है। दोनों को अपोजिट रखना है, दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। अब मैं पिकॉक के पंख के डिज़ाइन में डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। मैंने ये डिज़ाइन अभी काफ़ी ट्रेंड में देखा था, इसलिए मैं ये वाला डिज़ाइन फिल करना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी प्रैक्टिस भी मुझे करनी थी, तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। इसे आप आराम से बनाएंगे, आपसे परफेक्ट बनेंगे। कोशिश करना सब एक ही आकार में, एक ही साइज़ के रहे, उसमें ये काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको पिकॉक के डिज़ाइन की सारी स्टेप्स समझ आ रही होगी। मैंने पहले इसे समझाया है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो तो पहले की वीडियोस आप देखें, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, अंदर की डिज़ाइन को अपन को लाइट रखना है। अगर बाहर डार्क कर रहे हैं तो सेम वैसा ही मैं कर रही हूँ। अंदर की डिज़ाइन मैंने लाइट रखी है क्योंकि मैंने बाहर की डिज़ाइन को ऑलरेडी डार्क कर दिया है। अगर मैं इसको भी डार्क करती हूँ तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और कुछ भी व्यवस्थित नहीं दिखेगा। मेहंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही फिनिशिंग की होती है। आप कैसी भी मेहंदी लगा लो, अगर आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है तो वो मेहंदी नहीं अच्छी लग पाएगी, वो सबको नहीं पसंद आ पाएगी। इसलिए कोशिश करें कि फिनिशिंग आपके हाथ में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। डिज़ाइन भले ही आपको कम आती हो, पर आपके हाथ में फिनिशिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सब चीज़ों को अलग दिखाने के लिए लाइनों का यूज़ किया जाता है। लाइनें जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपनी डिज़ाइन उतनी ही अलग और उतनी ही परफेक्ट दिखेगी। याद रखिए कि आपको बहुत ही फिनिशिंग से काम करना है, बहुत ही बारीकी से काम करना है। आप ब्राइडल मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिना आलस के आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं कि अपन को इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको इसमें एलिफेंट के डिज़ाइन सीखने को मिलेगा, जो कि आप ब्राइडल मेहंदी में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। और साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ ढोल शहनाई जो अपन बनाते हैं ब्राइडल मेहंदी में फिगर का डिज़ाइन, वो आपको मैं इसमें बताने वाली हूँ। आज ब्राइडल मेहंदी का एक फिगर का डिज़ाइन अपन सीखेंगे इसकी प्रैक्टिस के साथ, तो इसमें अपन को बिल्कुल भी आलस नहीं लाना है। ये पूरी एक घंटे की प्रैक्टिस है, जिसे मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा के आपको पेश किया है। आपको इसको बनाने में पूरा एक घंटा लगेगा,
आप अगर इसे बनाते हैं और समझते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बहुत परफेक्टली आप इसे सीख पाएंगे। मैंने पिकॉक के पंख में फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसे पतले भी कर सकते, मतलब इसे आप पतला भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ ताकि ये उठ के दिखे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक्रेलिक हैंड पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसे एक्रेलिक हैंड के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैंने पट्टे का डिज़ाइन लिया है जिसमें मैंने चेक्स की डिज़ाइन ली है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस पहले करवा रखी है। अगर आपकी लाइनों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये परफेक्टली बनेंगे। लाइनों की गैपिंग एक जैसी रखनी है अपन को। कोशिश पूरी करनी है कि लाइनें बिल्कुल ना टूटें और लाइनों की गैपिंग भी सेम रहे। एक्रेलिक हैंड पे थोड़ा सा लाइनें बनाने में मिस्टेक होता है, क्योंकि वो एकदम प्लेन स्लेट जैसा रहता है, जो कि मेहंदी को सही से नहीं कैप्चर कर पाता और मेहंदी इधर उधर खिसकती है, तो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो रहा है। बाकी आप लोग ये मिस्टेक ना करें। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, लाइनें बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसी गैपिंग से होनी चाहिए। लाइनें कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें डॉट का डिज़ाइन ले रही हूँ। डॉट का डिज़ाइन मैंने लिया है ताकि डॉट्स मेरे अच्छे से परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा आप इसमें कोई सा भी दूसरा डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे आपको काफ़ी सारी डिज़ाइनें पता होगी, आपने देखी भी होगी। इसके अंदर मैंने बिल्कुल परफेक्ट डॉट का डिज़ाइन लिया है। इसके अंदर आप बीच में भी लगा सकते हो, साइड में भी लगा सकते हो, आप डॉट वो पत्ती वाले डॉट आते हैं वो भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको डिज़ाइन कौन सा लेना है। पर ये याद रखना कि आप जो भी डिज़ाइन ले रहे हो वो आप परफेक्टली बनाओ और एक जैसे बनाओ। मैंने सारे डॉट एक जैसे बनाए हैं। अगर कहीं मिस्टेक होती भी है तो मैं उसे वापस कवर करने वाली हूँ। तो अभी तक तो मेरे को कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। अगर एंड ऑफ कुछ लगता है तो मैं कवर करूँगी, पर आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अगर होती है तो उसे कवर करें। मेरी वो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मैंने लाइन की डिज़ाइन ली है। लाइन एक मोटी लाइन ली है, फिर मैंने एक पतली लाइन ली है और उस पर कंगूरे की डिज़ाइन ली है। ये अपन को सब में करना है। अपनी जो भी डिज़ाइन कंप्लीट होती है उसके बाद अपन को लाइनें लेना है, ठीक है। वो कितनी लेना है वो डिज़ाइन के ऊपर और आपके मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैंने कंगूरे के दो डिज़ाइन लिए, दो लाइनें ली है, तो ये आपके ऊपर है आप कितना लाइन लेते हो, दो तीन, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऊपर बॉक्स बना के छोड़े थे फेदर में, अब मैंने उसमें हल्का हल्का शेडिंग दिया है, वो हल्का सा सूख गया है। उसके बाद मैं उसमें हल्का हल्का शेडिंग दे रही हूँ। अगर ये चीज़ मैं पहले करती तो मैंने जो उसमें फिलिंग की है साइड की वो सारी मिक्स होके बहुत मैसी लगता, इसलिए मैंने वो पहले नहीं किया। अगर आप कि मेहंदी सूख जाए या आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो तो आप उसके साथ ही ये चीज़ कर सकते हैं। अब मैंने हल्का हल्का उसमें शेडिंग दिया है ताकि वो बिल्कुल पंख जैसा लगे। मैं ऐसा सारे बॉक्स में करने वाली हूँ, तो आप भी ये चीज़ कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छी डिज़ाइन माइंड में आ रही हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बना रही हूँ आपको वही ट्राई करना है। बस ये है कि अपन को प्रैक्टिस परफेक्ट करनी है और ऐसी करनी है जो अपने हाथ में अभी तक नहीं जमा है या फिर अपन ने अभी तक नहीं बनाया है, उस चीज़ की अपन को प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल डिज़ाइन अपन रोज़ बनाते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और ऑर्डर्स पर अपन ये चीज़ कर लेते हैं। प्रैक्टिस अपने ऑर्डर्स पर हो जाती है अगर आप मेहंदी बनाने जाते हैं तो। बाकी जो पीकॉक डिज़ाइन हो गई, एनिमल डिज़ाइन हो गई, जैसी भी होती है एनिमल डिज़ाइन, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करें। मैंने उसमें जिसमें शेड दिया था उसमें मैंने डॉट की डिज़ाइन दे दी है और बीच में मेरे को ये बहुत ज़्यादा गेपिंग लग रही थी तो मैं भी इसमें छोटे छोटे डॉट दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा भरावा दिखे। अपन ब्राइडल मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राइडल डिज़ाइनर पैटर्न नहीं बनवाते, वो भरमा डिज़ाइन बनवाते हैं और भरमा डिज़ाइन प्रॉपर भरा हुआ होता है। तो आप एक एक चीज़ का परफेक्ट ध्यान रखें। हाँ जी, तो फाइनली मेरा वो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आई हूँ एलिफेंट के डिज़ाइन पे, जो कि मैंने आपको पहले एलिफेंट डिज़ाइन बहुत ही परफेक्टली आपको सिखा रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूँगी या वीडियो के एंड में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वो चीज़ देख लें। ये बहुत ईजी है बनाना, मैंने बहुत ईजीली बनाया है। जैसा मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है सेम मैंने वैसा ही बनाया है। ये सिंगल एलिफेंट का डिज़ाइन है। मैंने आपको बेल्ट का डिज़ाइन भी बताया है, अगर आप वो बनाना चाहते हो तो उसका भी पूरा बेल्ट यहाँ पर आप बना सकते हो। मैं सिंगल एलिफेंट का डिज़ाइन बना रही हूँ, जो कि मैं बहुत ही छोटा और
बहुत ही प्रीटी सा बनाने वाली हूँ। तो इसे देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। आईज का भी पूरा ध्यान रखिए, कैसे उसको बनाना है। आईज बहुत परफेक्ट दिखनी चाहिए। हाँ जी, तो ये लग रहा है ना अपना एलिफेंट कंप्लीट। ऊपर मैंने एक छतरी का लुक दे दिया है ताकि थोड़ा डोली वाला लुक आ जाए और परफेक्ट दिखे। दोनों साइड में मैं लाइन की डिज़ाइन ली, उसको पूरा कवर कर रही हूँ। तो उसको भी परफेक्ट आपको कवर करना है। आपको इसमें आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो, आप गोल भी कर सकते हो, इसको सीधा लाइन लेके भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके किया है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर लीजिएगा। तो मैं इसको फिल करने वाली हूँ। आप पूरा ध्यान से देखें मैं ये चीज़ कैसे करती हूँ और इसे मैं कैसे कवर करती हूँ। हाँ जी, तो एलिफेंट के आसपास का डिज़ाइन मैंने पूरा कवर कर दिया है, जिसमें मैंने सर्कल का डिज़ाइन लिया है। अगर आप देख सकते हैं तो ध्यान से उसे देखिए कि मैंने सब चीज़ इक्वल रखी है, एक जैसी बनाई है। आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से करें, जल्दबाजी बाजी किसी में ना करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये सर्कल बिगड़ जाएंगे। यहाँ पर आप दूसरा डिज़ाइन ले सकते हैं। अंदर लाइट है इसलिए बाहर थोड़ा सा डार्क अपन को बनाना है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। मैंने नीचे की तरफ मोटी सी लाइन ली है और लाइनों का मैंने पूरा ध्यान रखा है। लाइनें मैंने ली है जिससे मेरी डिज़ाइन एक दूसरे में मिक्स ना हो। आप ये चीज़ देख सकते हैं, मेरी कोई भी डिज़ाइन किसी भी चीज़ में मिक्स नहीं हो रही है। नेक्स्ट मैंने नीचे की तरफ बॉक्स बनाया है और इसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ दूसरा डिज़ाइन। तो अब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, एलिफेंट का डिज़ाइन। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी मिस्टेक या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैंने पहले सारे पार्टीशन निकाल लिए हैं, मुझे कितना कितना क्या क्या बनाना है। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था बेल्ट का डिज़ाइन टेक्स के आसपास, बॉक्स के आसपास, तो मैंने उसके बीच में लाइन दे दी है ताकि मेरे को याद रहे कि मेरे को दोनों में अलग अलग चीज़ करनी है। नेक्स्ट मैंने डोर चैनाएं नीचे बनाई हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना रही हूँ। और ये चीज़ आप आराम से देख के सीख सकते हैं, तो इससे पहले ध्यान से देखिए। नहीं समझ आता है तो आप इसे वीडियो की स्पीड को कम करके आप इसको देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने डोर शहनाई बनाई है और कंप्लीट इसको कवर किया है, दो ढोल ऊपर दो शहनाई बनाई है और इसको मैं मंदिर के आकार के डिज़ाइन से कंप्लीट कर रही हूँ, टेंपल के आकार के डिज़ाइन से इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये अपना ब्राइडल फिगर है जो नॉर्मली ब्राइडल में अपन यूज़ करते हैं। ढोल शहनाई बहुत कॉमन फिगर है और ये अपन को ब्राइडल में बहुत अच्छा लगता है बनाने पे, तो ये अपन को बनाना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से सीख लें ताकि आपकी भी ब्राइडल मेहंदी में ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखे। ढोल शहनाई बनाना बहुत ईजी है, आप उसे बहुत ईजीली बना लेंगे, पर ध्यान रहे उसमें अगर आप जो फिलिंग करते हैं वो बहुत ही बारीक करनी है ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिक्स ना दिखें। ढोल और शहनाई मोस्टली अपन साथ में बनाते हैं तो बहुत सी बार शहनाई और ढोल दोनों बहुत मिक्स होकर दिखता है और कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या बनाया है अपन ने। तो याद रखें आप ढोल और शहनाई दोनों में लाइट फिलिंग करें अंदर की तरफ ताकि वो बहुत अच्छे से दिखे। अंदर लाइट और बाहर की बॉर्डर्स डार्क रखनी है, यही इस चीज़ का प्रोसेस है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका ये फिगर का डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैंने बिल्कुल वही चीज़ फॉलो की है जो मैंने आपको बताई है, मैंने लाइट और डार्क दोनों शेड का बहुत ध्यान रखा है। मेरी ढोल शहनाई जो मैंने बनाई है वो बहुत ही अलग से दिख रही हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाय बाय।